मैं डॉक्टर शिखा खन्ना आपके अपने न्यूट्री शिखा प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स देने जा रही हूँ जो कि हेवी मेटल्स और केमिकल्स को हमारे शरीर से दूर। सबसे पहला है अंडा, ब्रोकली, अदरक, लहसुन। तो अगर इनका आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो ये हेवी मेटल्स को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं और उसमें इनमें ग्लूटाथियॉन भी पाया जाता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी हमें बीमारियों से बचा कर रखता है। और दूसरा है अगर आप स्पिरुलिना या एडेबल एल्गी खाते हैं तो ये भी हमारे शरीर से हैवी मेटल्स को दूर करता है और हाँ ये वेट रिडक्शन में भी मदद करता है और हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से रिजुवेनेट करता है। और तीसरा है गुड़ और चना। जब आप गुड़ खाते हैं तो ये हमारे लंग्स में जो हैवी मेटल्स आ जाते हैं पॉल्यूशन के कारण, केमिकल्स आ जाते हैं, हमें सांस में दिक्कत देते हैं, उन सबको हमारी बॉडी से बाहर निकाल कर हमारी बॉडी को केमिकल फ्री करता है। अब चौथी चीज है जो हम रोजाना खा सकते हैं, दिन रात खा सकते हैं, और वो है हरा धनिया। हरा धनिया सबके पास होता है, अगर हम ये बहुत अच्छी मात्रा में अपनी दाल सब्जी पर भी स्प्रिंकल कर ले और उसमें डालकर अगर ये खाएं तो ये भी हैवी मेटल्स को हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। और इसके अलावा आपको कलरिंग एजेंट्स इस्तेमाल करने हो, लाल पूड़ी बनानी हो, हरी पूड़ी बनानी हो, तो आप इन सब के लिए बीट रूट, गाजर, पालक, धनिया, मेथी, इन सब का सेवन करें, केमिकल से बचें। तो यही सब बिल्कुल साधारण सी चीजें और ये आपके शरीर को टॉक्सिन फ्री रखेंगी।